मध्य चीन के हेनान प्रांत में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग में 38 लोगों की मौत हुई और कई घायल बताए जा रहे हैं। कई घंटों के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के लिए कपड़ा कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराया। वहीं जोर देकर कहा गया है कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर फैक्ट्री में काम चल रहा था। शुरुआती जांच से पता चला है कि वेल्डिंग ऑपरेशंस में स्पार्क से ये आग लगी। अब क्योंकि फैक्ट्री में कॉटन का काम होता था, इसी वजह से आग फैलती चली गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आगोश में आ गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस आग में झुलसे घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही इस घटना के जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा करने की भी बात कही है। वहीं बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड को भी काबू में करने में कम से कम 63 दमकल के वाहन और 240 कर्मियों की जरूरत पड़ी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं जानकारों के मुताबिक चीन में इस समय भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। लापरवाही भी बड़े स्तर पर की जा रही है, इसी वजह से इस प्रकार की आग की घटनाएं ज्यादा होती दिख रही है। वहीं अभी के लिए इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया गया है। उनसे सवाल जवाब कर समझने का प्रयास किया जा रहा है कि आग का कारण क्या था, और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना भी थी या फिर किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।